A very good morning to all of you students. Myself Archana. I am a teacher of National Academics High School Udhampur, and students, I will teach you subject science, that is biology of class 9th. And we will first start with the chapter 11, that is cell, the fundamental unit of life. Students, trust me, it is a very, very interesting chapter. So without wasting any time, let's start with this chapter. सो स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए उस चैप्टर का कंटेंट क्या है. कंटेंट को अगर सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, वो क्या चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लाइक टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वी विल स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. सेल की इंट्रो, व्हाट इज अ सेल, वी विल फर्स्ट डिस्कस दिस टॉपिक एंड देन डिस्कवरी ऑफ सेल. अब सेल की क्या इंट्रो है वो पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सेल को डिस्कवर किसने किया. कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने सेल की डिस्कवरी की होगी. सो डिस्कवरी ऑफ सेल में हम उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने सेल को पहले डिस्कवर किया था, उनकी डीप स्टडी की थी, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. देन वी विल स्टडी डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनि से आप समझ रहे होंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है. एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच मोर देन वन सेल्स आर प्रेजेंट. देन वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रो का यहाँ पे मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पहले, एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. इन द सेम वे यू कैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस. देन वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सेल दिखता कैसा है ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हाउ सेल लुक्स लाइक. सेल दिखता कैसा है, सेल की आउटर लेयरिंग क्या, आउटर कवरिंग क्या है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, वो कैसे फंक्शनिंग करता है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आता है सबसे पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. हम पढ़ेंगे सेल होता क्या है. इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में पढ़ेंगे अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एज वी ऑल नो दैट वेरी वेल दैट हमारी अर्थ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ मीडियम साइज हैं. सो इसी तरह की से टू टाइप्स की कैटेगरीज सेल के अंदर आती हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. स्मॉल साइज्ड कांट बी सीन विद नेक्ड आइज. Those organisms which are very small in size and cannot be seen with our naked eyes, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं. Naked का मतलब हो गया खुली आंखें. And macroscopic are those organisms which are large size and can be seen with naked eyes, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. तो सिंपल सेंस में कहा जाए कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है देखने के लिए. हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वी कांट सी विथ नेक्ड आईज. एग्जाम्पल्स अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले आता है अमीबा. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. देन प्लांट्स, एनिमल्स एंड यस, हाउ कैन वी फॉरगेट ह्यूमन बींग्स, वी द ह्यूमन बींग्स. हम इंसान सिर से लेके पैर तक, हमारी हर बॉडी का पार्ट जो है वो सेल से बना हुआ है. सेल जो है हर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करने में हेल्प कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है. तो ह्यूमन बींग्स में भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं. एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, दैट इज सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेम करते हैं, नेम those organisms, tiny microscopic organisms, जितने भी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कंसिडर करेंगे, सेल. अब हम डेफिनेशन की अगर बात करें, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो स्टूडेंट, डेफिनेशन से बहुत ही क्लियर होता है कि सेल ही जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है. सेल ही जो है बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है. इसीलिए हम इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहेंगे. सेल की अगर सिंपल सी डेफिनेशन की जाए तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे आपको पिक्चर ऑब्जर्व करो आप सब, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन सेल्स जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनकी एक स्लाइड है, उसकी पिक्चर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो है रेड कलर के होते हैं, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोन सेल। बोन सेल्स बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है मसल सेल्स। मसल सेल्स जो हैं हेल्प करते हैं मसल्स बनाने में हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो मसल सेल्स की वजह से होती है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सब मसल सेल्स की वजह से होती है। नेक्स्ट इज न्यूरॉन सेल। इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं, जो कि मैसेजेस कैरी करता है, सेंड करता है और रिसीव करता है। नेक्स्ट इज ओवम। ओवम इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। एंड नेक्स्ट इज फैट सेल। फैट सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। फैट सेल की जैसी और भी बहुत सारे सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। फैट सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट इज स्पर्म सेल। एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट स्पर्म सेल इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सेल। सो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में जो है स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब सेल डिस्कवर किसने किया था। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि हमने बोला कि सेल जो है, इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि सेल की डेफिनेशन क्या है, लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सेल को डिस्कवर किसने किया। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने सेल को डिस्कवर किया होगा। सो इन डिस्कवरी ऑफ सेल वी विल स्टडी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब कि सेल दिखता कैसा है, सेल को उसने किस तरीके से डिस्कवर किया, ये साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और कौन सा ईयर जो है रिस्पॉन्सिबल है डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए। सो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल में आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा द टर्म सेल वॉज इंट्रोड्यूस बाई हिम इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया पब्लिश इन 1665। सी, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ डिस्कवरी करते हैं, जब उनकी डिस्कवरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो एक बुक लिखते हैं। इन द सेम वे रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी जिसका नाम दिया माइक्रोग्राफिया 1665 ईयर, आप ध्यान से याद रखिए, ताकि फर्दर जो साइंटिस्ट हैं जब वो डिस्कवरी करें, स्टडी करें, तो वो उनकी बुक की हेल्प से फर्दर डिस्कवरी में उनको आसानी हो जाए। ही स्टडीड अंडर हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। सी, ईयर 1665 था, बहुत ही पुराना ईयर था, तो उस टाइम पे माइक्रोस्कोप जो आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं वो नहीं होते। तो रॉबर्ट हुक ने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर उन्होंने क्या देखा, ही टुक थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉक। बॉटल का जो ढक्कन होता है उसको हम लिड कहते हैं। सो वो जो लिड था वो कॉक से बना हुआ था। उन्होंने उसी बॉटल के ढक्कन को, बॉटल कॉक को लिया, छोट पतली सी स्लाइस ली। कॉक इज अ सब्सटेंस टेकन फ्रॉम ए बार्क ऑफ ए ट्री। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ कॉक। जो बार्क ऑफ ट्री से सब्सटेंस लिया जाता है उसे हम कॉक कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने वही सब्सटेंस लिया, उसका थिन स्लाइस लिया और उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया। ही सॉ एम्प्टी स्पेसेस बाउंडेड बाय द वॉल्स गिविंग अपीयरेंस ऑफ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के नीचे जब उस थिन स्लाइस ऑफ कॉक को रखा तो उन्होंने देखा बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस उन्हें नजर आए, बाउंडेड बाय वॉल्स, जिनके आगे पीछे दीवारें जैसी थी। तो वो गिविंग अपीयरेंस ऑफ हनीकॉम, उनको वो कैसी अपीयरेंस लगी, जस्ट लाइक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ते होते हैं ना, वैसी अपीयरेंस उनको लगी, जैसे छोटे छोटे उनको एम्प्टी स्पेसेस दिखे, आगे पीछे दीवारें दिखी। ही कॉल दैट एम्प्टी स्पेसेस स्मॉल रूम बॉक्स और कंपार्टमेंट। उन्होंने उन्हीं एम्प्टी स्पेसेस को क्या नाम दे दिया, छोटा सा कमरा, स्मॉल रूम, या फिर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर और कंपार्टमेंट। तो इसी तरीके से उन्होंने सेल को नाम दिया स्मॉल रूम, बॉक्स और कंपार्टमेंट, क्योंकि उन्हें वो छोटे छोटे रूम्स की तरह लगा। सेल इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन टर्म। सेल एक लेटिन टर्म से डिराइव किया गया है, वो लेटिन टर्म है सेल्यूला। सो जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, इस स्लाइड में आपको दिखाऊंगी जो थिन स्लाइस ऑफ कॉक था वो रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, वो स्ट्रक्चर, ये जो आपको ब्लैक कलर का डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, जस्ट लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर उनको देखा। इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कॉक थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉक लिया और अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्ट्रक्चर को देखा। इट लुक्स लाइक हनीकॉम,
मैंने बोला आपको मधुमक्खी के छत्ते की तरह उन्हें लगा, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स से, जैसे हमारे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, ऐसे ही कॉक जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उन्होंने देखा बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, सेल दिया या फिर अ लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे। ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि हमने पहले भी बोला, सेल जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। सो स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक के बाद और भी बहुत साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल के बारे में कई चीज़ें स्टडी की, उनमें से एक थे एंटन वॉन ल्यूविन हुक। फ्री सेल सच एज बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूविन हुक इन 1674। फ्री सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया, वो किसने डिस्कवर किए थे, एंटन वॉन ल्यूविन हुक। न्यूक्लियस इन द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, कौन से ईयर में, 1831। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज गिवन बाय पुरकिंजी इन 1839। ऐसी प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म इज अ मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये हम फर्दर जो है डिटेल में स्टडी करेंगे, ये पुरकिंजी ने दिए था इन 1839। द आइडिया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला विच मीन्स दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वॉज प्रेजेंटेड बाय रुडोल्फ वर्चू इन 1855। आइडिया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब है दैट ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज हुए, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जब कोई सेल है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ खत्म होने के बाद उसी से एक न्यू सेल ओरिजिनेट होता है। सो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये प्रेजेंट की थी टर्म रुडोल्फ वर्चो इन 1855। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1940। रिमेंबर द स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड इन 1940। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी कौन कौन से साइंटिस्ट ने दी थी वो अभी हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सेल थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय एम शेल्डन एंड टी शेवॉन। सेल थ्योरी सबसे पहले एम शेल्डन एंड शेवॉन ने दी थी। अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स प्रेजेंट हैं, वो सेल्स की वजह से बने हैं। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है, अपने माइंड में ये बिठा लो कि शेल्डन और शेवॉन ने क्या बोला था। उन्होंने बोला था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सेल्स जो हैं किस में हेल्प करते हैं, बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर रीडिफाइंड बाय वर्चो हु एक्सप्रेस दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये हमने पिछली स्लाइड में अभी डिस्कस किया, वर्चो ने बोला था जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज करते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। द वेरियस पॉस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। जो जितने भी मेन पॉस्टुलेट्स हैं सेल थ्योरी की, वो क्या बोलती हैं, ये अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपको अभी ही माइंड में बैठ जाएंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हैं, सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही बनते हैं। जो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, अभी हमने सबसे पहले स्टडी की थी डेफिनेशन में, सेल ही जो है एक बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी लाइफ एज ए सिंगल सेल स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड मैं आप सबको एक होम असाइनमेंट दे रही हूँ, सो आप ये ट्राई करिए। इसमें क्वेश्चंस जो हैं, इन विच ईयर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड, आपने बताना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन से ईयर में डिस्कवर्ड हुआ है। नेक्स्ट इज डिफाइन सेल, छोटी सी डेफिनेशन आपने सेल की देनी है। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज गिवन बाय डैश एंड सेल इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड डैश। लास्ट क्वेश्चन इज नेम वन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं आप ये खुद ट्राई कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसके आंसर्स शेयर कर दूंगी। होप यू विल ट्राई दिस स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इन द सेम वे मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स कवर करवाए हैं, मैं उन टेक्स्ट बुक के पेजेस भी आपके साथ जो हैं शेयर कर रही हूँ। सो ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 165 है।
एंड नेक्स्ट पेज इज 166 एंड 167। ये थ्री पेजेस जो हैं आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप ये टेक्स्ट बुक के पेजेस देख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो आपको इतना क्लियर दिख रहा हो, बट आपको नेट से भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको ये चैप्टर्स मिल सकते हैं अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। सो एट लास्ट थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।